हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द गुजराती चेस जोन। आज हम देखेंगे सिसिलियन की एक ऐसी लाइन जिसे जानने के लिए बहुत सारे लोग उत्सुक हैं। सिसिलियन डिफेंस ऑलरेडी बहुत ही फेमस ओपनिंग है और उसमें नेसडॉर्फ वेरिएशन जो सबसे पावरफुल और सबसे ज़्यादा खेले जाने वाली लाइन है सिसिलियन डिफेंस में। नेसडॉर्फ के बारे में दोस्तों पूरी एक 400 पेजेस की किताब है, जिसके ऊपर से मैं आपको नेसडॉर्फ वेरिएशन के सारे वेरिएशन सिखाऊंगा। तो सभी नेसडॉर्फ वेरिएशन सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल से जुड़े रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं नेसडॉर्फ वेरिएशन। सबसे पहले नेसडॉर्फ में पॉन स्ट्रक्चर मैं आपको बताना चाहूंगा कि पॉन स्ट्रक्चर कैसा होगा। दोस्तों ये है पॉन स्ट्रक्चर ऑफ नेसडॉर्फ वेरिएशन, जहाँ पे D6 और E5 ये बाद में मूव्स खेली जाती है, और मिडल गेम के बाद जब सारे पीसेज आप हटा दोगे, बोर्ड से क्लियर करोगे अगर बिना पॉन एक्सचेंज किए, तो ये नेटवर्क वेरिएशन का एंड गेम का स्ट्रक्चर है, जिसमें सी फाइल पूरी ब्लैक के लिए ओपन रहती है हाफ ओपन, और जो डी फाइल है वो वाइट के लिए हाफ ओपन रहती है। इसके बारे में हम डिटेल में मूव बाय मूव देखेंगे। दोस्तों यहाँ पे मैं सबसे पहले नेटवर्क वेरिएशन के बारे में सिखाने से पहले एक गैरी कास्पारो की ब्लैक की ओर से गेम दिखा रहा हूँ। जो कास्पारो है सभी लोग जानते ही होंगे, गैरी कास्पारो वर्ल्ड फेमस प्लेयर है, और वो ब्लैक से सिसिलियन ज़्यादा खेलते थे, तो वाइट E4 खेलते थे, उनके सामने कास्पारो प्लेड C5। उसकी एक गेम पहले देखेंगे, उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे नेसडॉर्फ के हर एक वेरिएशन पे। तो E4 C5, वाइट प्लेड Nf3 और कास्पारो प्लेड D6। उसके सामने एम एडम्स नाम का प्लेयर था, तो D6 के सामने वाइट D4, ये मेन मूव है। मैंने आपको सिसिलियन ड्रैगन के बारे में जो बताए थे उसमें भी सेम यही मूव आते थे स्टार्टिंग में, तो आपको नेसडॉर्फ के शुरुआत सीखने के लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। नाइट क्रॉस D4, उसके बाद Nf6 और Nc3, ये परफेक्ट मूव है। और यहाँ पे हमने ड्रैगन के लिए खेला था G6, लेकिन यहाँ नेसडॉर्फ में A6 जरूरी है। A6 के बाद बिशप E3, यहाँ पे वाइट, और ब्लैक प्लेड E6, यहाँ पे बिशप E2 वाइट ने खेला था, कास्पारो प्लेड क्वीन C7 और क्वीन D2। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में जो पॉन स्ट्रक्चर बताया, सेम ऐसा ही स्ट्रक्चर है। वाइट के पॉन देखो एज यूजुअल अपने ही जगह पे है, ओनली वन पॉन E4 पे है। जैसे ब्लैक का ये दोनों पॉन मैंने B7 और A6 में बताया आपको पॉन स्ट्रक्चर, वीडियो स्टार्ट करके फिर से देख ली। सिर्फ एक पॉन जो है वो E5 पे था, लेकिन यहाँ पे E6 वो मूव ऑर्डर के बाद में E5 भी होगा। इसमें बिशप E2, उसके सामने क्वीन D2 और यहाँ पे B5, कास्पारो प्लेड B5, वाइट ने A3 किया, और A3 यहाँ पे जरूरी है। अगर यहाँ पे वाइट मिस्टेक करता है, A3 नहीं करता है, तो नेक्स्ट मूव में B4 देन नाइट टेक्स पॉन की थ्रेट है। तो यहाँ पे A3 कंपलसरी मूव है मेरे हिसाब से। A3 के बाद बिशप B7, कास्पारो प्लेड Bb7, वाइट प्लेड F3। अब देखो ये पॉन के ऊपर नाइट का एक ही सपोर्ट है, और नाइट और बिशप दोनों का अटैक आ गया है, तो उसे सपोर्ट करने के लिए F3 इज अ बेस्ट ऑप्शन। नाइट C6 और यहाँ पे वाइट ने लॉन्ग कैसल किया। लॉन्ग कैसल के बाद B4, कास्पारो प्लेड B4, एक क्रॉस B4, नाइट क्रॉस B4,
व्हाइट प्लेट G4 अब व्हाइट किंग साइड अटैक करना चाहता है क्योंकि ब्लैक ने कास्परो ने कैसलिंग नहीं किया है, तो व्हाइट भी अर्ली अटैक चाहता है, तो इसके लिए उसने G4 किया। ब्लैक ने सिंपल रिप्लाई दिया बिशप E7 से और फिर G5 और नाइट D7, उसके बाद H4। अब व्हाइट ने सोचा है ब्लैक ने कैसल नहीं किया तो जल्दी से पॉन अटैक करके उसका किंग साइड ब्रेक कर दे। H4 के रिप्लाई में कास्परोव प्लेड नाइट C5, उसके बाद किंग B1। अब ये किंग B1 जरूरी है क्योंकि क्वीन की लाइन में एक्सरे अटैक में कभी भी अपोनेंट की क्वीन नाइट फोर्क में जा सकती है, तो ये प्री प्लानिंग होता है। आफ्टर किंग B1 ब्लैक रिप्लाई रुक B8, तो रुक को भी एक्सरे में ला दिया है ब्लैक ने। H5 दोनों की तरफ से अटैक हो रहा है, दोनों की ओर से, तो गेम बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ऐसे गेम्स देख के आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। H5 के बाद ब्लैक कैसल, देखो पॉन अटैक इतना सारा है खुद के ऊपर, फिर भी उसने उसी साइड कैसल किया क्योंकि दोनों रुक कनेक्ट होने के बाद गेम इजी हो जाती है खेलने के लिए। कैसल के बाद G6, व्हाइट प्लेड G6 और ब्लैक रिप्लाई बिशप F6, रुक D G1, बिशप A8। अब ऐसे मूव्स जल्दी हम लोग नहीं सोच सकते दोस्तों, नॉर्मल प्लेयर ऐसे मूव्स नहीं सोच सकते कि बिशप को A8 पे कॉर्नर पे एकदम, जो बोर्ड के एकदम कॉर्नर है जहां कोई काम में नहीं आने वाला है वहां पे रख दे और रास्ता क्लियर किया है रुक का। बिशप A8 के बाद अगर हम कोई भी इतनी पोजीशन के बाद खुद आपको खुद वीडियो पुश करके अपने हिसाब से थिंकिंग करना है कि यहां पे क्या प्लानिंग हो सकता है गैरी कास्परोव। तो बिशप A8 के बाद यहाँ बिशप G5, वाइट ने खेला था BG5, डिफेंसिव जो बिशप है उसे एक्सचेंज करने का आइडिया, और ब्लैक रिप्लाई बिशप E5, ब्लैक ने एक्सचेंज नहीं किया। यहाँ पे G×H7 चेक और King×H7, Nb3 वाइट प्लेड, Nb3 के बाद Nc2, ये ब्रिलियंट मूव। किंग और क्वीन दोनों से नाइट मर सकता है लेकिन सामने ब्लैक का भी नाइट जाएगा, तो Nc2 कैलकुलेटेड मूव है। Nc5 वाइट प्लेड हियर, व्हाइट ने सोचा कि बाद में मैं नाइट को मार लूंगा और दो दो पीस प्लस हो जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पे पहले Na3 चेक दिया है, उसके बाद King A2 और Qc5 और नाइट को क्वीन का सपोर्ट आ गया। हालांकि पॉन से भी नाइट नहीं ले सकता क्योंकि Qc3 बहुत ही ब्रिलियंट सी है ये गेम में, तो बहुत ही कैलकुलेटेड मूव है। उसके बाद King A2 Na4, व्हाइट ने यहाँ रिप्लाई दिया था Na4 काउंटर अटैक। अब व्हाइट कहता है कि मैं नेक्स्ट मूव में आपका नाइट ले लूंगा, तो Na4 के रिप्लाई में ब्लैक रिप्लाई Nc2। अब देखिए यहाँ पे क्वीन पे अटैक है और फिर भी ब्लैक ने क्वीन सेक्रीफाइस किया है Nc2। सिंपल सी बात है, नाइट टेक्स क्वीन अगर होता है तो रूक टेक्स B2 चेकमेटेड। तो यहां क्या रिप्लाई देंगे व्हाइट? व्हाइट ने खेला King B1 और कास्परो ने एक मूव की जिसके बाद व्हाइट ने रिजाइन कर दिया Qe3, क्योंकि Qe3 के बाद कोई मूव्स नहीं बचे है व्हाइट के लिए। आगे एनालिसिस में दिखाया कि अगर
वाइट किंग टेक्स नाइट कैप्चर करता है तो क्वीन टेक्स नाइट चेक देन डिस्ट्रॉइंग द गेम, कुछ मूव में चेकमेट आती है। तो दोस्तों ये थी गैरी कास्पारोव की गेम, हम डिटेल में देखेंगे नेजडॉर्फ वेरिएशन। ये एक गेम देखने के बाद आपको पता चलेगा कि नेजडॉर्फ खेलने में कितनी मजा आती है। इसके सारे वेरिएशन मेरे हर एक वीडियो में आपको मूव बाय मूव देखने को मिलेंगे। तो चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में नेजडॉर्फ के बारे में हम वन बाय वन सारे वेरिएशन देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय गुजरात।